नवरात्रि वर्ष में चार बार पड़ती है। इसमें चैत्र और अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना से जीवन की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना में माँ दुर्गा को समर्पित पवित्र कलश की स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना के नियम और मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? शारदीय नवरात्रि पर कलश की स्थापना अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस बार प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को पड़ रही है। घट स्थापना का सबसे अच्छा समय सुबह 6:28 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि पर सुबह 11:48 से लेकर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना के नियम। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रहे, इसे किसी ढक्कन से ढक कर ही रखें। ढक्कन को चावलों से भर दें और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रखें। कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा होती है, इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाना चाहिए। कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण में रखें। कलश स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होगा। घर स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें।